हेलो एवरीवन एंड राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और वेलकम है आपका मेरे चैनल ब्लेजर मॉम शालिनी पर, और मैं हूँ शालिनी। और मुझे ना अभी कुछ दो चार वीडियो जो मैंने बनाई हैं टिकटॉक वाली, उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि आप मोबाइल कैरी करके काम करके दिखाइए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर यह है कि जब हम घर में होते हैं तो मोबाइल को हाथ में लेना अच्छा नहीं समझते, कहीं भी रख देते हैं हम। और ख़ासकर हम लेडीज़ हैं, जेंट्स लोग भी तब बड़े बाकायदा अच्छे तरीके से अपने मोबाइल को रखते हैं। ये मेरा पुराना मोबाइल है, और मेरा जो अभी मोबाइल है वो मैं आपसे वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैं इसी को लेकर आई थी। ये इससे पहले मैं वीडियो बनाती थी, तो मैं इसी के साथ अपना काम करने वाली हूँ। और मेरा काम ज़्यादातर मतलब दोनों तरफ का ही होता है, बिनी जी होते तो यहाँ नहीं करती घेर में। यानी मैं अभी करने वाली हूँ भैंस के सानी करने वाली हूँ, और साथ में है ये मेरा मोम हैंकी जो मैं यहाँ पे टक करूँगी अभी इधर, ठीक है, ये टक कर लिया। और साथ में मोबाइल भी ये, ठीक है, और अपनी साड़ी भी, ठीक है। पर एक ख़ास बात ध्यान रखना कि अगर आप घर में हैं या किसी मतलब अपने घर वाले के मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स के घर में या अपने घर में, तो इधर साइड मोबाइल टक करें। अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, तो आप राइट हैंड पे अपने साड़ी के अंदर यहाँ पे ये जो होता है ना नामन जो होता है इसके अंदर कैरी करें, वरना कोई भी आसानी से ऐसे हाथ लगा के और ऐसे निकाल सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे ना घर पे या किसी फैमिली मेम्बर के घर पे हों तभी यहाँ पे लगाएं, नहीं ना लगाएं, ठीक है। तो मैं अभी इसे मोबाइल यहाँ पे टक करके मैं करने वाली हूँ काम, तो आप एंजॉय कीजिए मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब विनीत जी नहीं होते तब मुझे भैंस को चारा डालना पड़ता है, वरना मैं हेल्प ही कराती हूँ उनकी। और अभी विनीत जी है नहीं घर पे, एक्चुअली क्या था उनके फ्रेंड हैं वो एक गाड़ी ले रहे हैं यानी फोर व्हीलर ले रहे हैं, तो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप आ जाइए। तो विनीत जी ज़रा सिटी तक वही देखने गए हैं, तो जल्दी ही आ जाएंगे, मतलब शाम से पहले आ जाएंगे बोल के गए थे, क्योंकि अभी चारा भी लेकर आना है, आज चारा नहीं आया था खेत से। यहाँ मैंने ना सानी करने के बाद फिर दोनों भैंस तीनों भैंसों को बांध दिया था। तो पता है, मैं ना कल की जो वीडियो गई थी उस पर बोल रहे थे कि ना आप है ना एक बार इस भैंस को सेल करने के लिए बोल रहे थे, तो ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो है ना हमें मतलब जितना दूध देती है एक भैंस उतना नहीं दे रही है इस बार, पता नहीं क्यों। तो हम उसे ना, और फिर हमारे घर में ना थोड़ा नीचे चले जाते ना तो मैं अकेली हो जाती हूँ, मैं अकेले इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसी वजह से ना थोड़ा दिक्कत होती है। तो बोल रहे कि जब दूध नहीं दे रही तो इसे रखने से क्या फ़ायदा, तो हम इसे निकाल के दूसरी देखेंगे अगर ली तो। तो यहाँ मैंने फिर हरा डाला है, और इसके बाद मैं सारे काम कर लूँगी ख़त्म ही आके, फिर ख़त्म करके फिर तभी ख़त्म करके घर ही गई थी, तब तक विनीत जी आ गए। और मैं यहाँ फिर चाय बना रही थी उनके लिए। हमारे यहाँ शाम को जैसा कि आप सब जानते हैं कि चार के आसपास, चार साढ़े चार के आसपास चाय बनती है, यानी कि जब हमारा यहाँ का घेर का काम ख़त्म हो जाता है ना भैंस का, उसके बाद घर जाके हम लोग चाय पीते हैं। और विनीत जी आ गए थे तो मैंने उनका मोबाइल कैरी कर लिया था, वो उठा के रख दिया था क्योंकि वो बंद था इसी वजह से। अरे मैं चिपकू पट्टियां पर रही हैं सर पे हेलमेट से इतनी छोटा है, वहां से वहां तक होता है, यहाँ पे पानी भर जाता है, इससे बड़ा है ना, थोड़ा सा ही बड़ा है, कहाँ है ज्यादा बड़ा। अरे हम लोग यहाँ पे ना मशीन रखते हैं तो हमारा यहाँ सारा पानी भर जाता है। यहाँ पे बड़ा लाने की सोच रहे थे पर बड़ा मिला ही नहीं, दो ले आते ना फिर है? दो दो जोड़ के यहाँ तक आ जाता, ये जुड़ जाएगा, रहने दो ऐसे ही रहने दो, पर ये निकल सकता है। उधर से लगाना, उधर से तोड़ दो ना, ऐसे खींच दो और फिर लगा के दे, वो मतलब चिपका दो या कुछ कर दो ऐसे। और तो 10 साल हो गए मशीन को,
नहीं, और पहन लेता 36 कपड़े है, स्वेटर इनर गरम वो है तेरी टी शर्ट है, ऊपर से ये जैकेट और लाद लिए। रहने दो, टूट रहा ही है। नहीं मैं काला गोरे पे काला ऐसी ठीक है। अरे इसमें ये रहा इसका हुक, पर ये बड़ा है यार। अरे ऐसा हिसाब किताब गलत है। अब वहां टक्कर है इसे, अब एक धागा बांधो इसमें और धागा बांध के ऊपर कील पे लगा दो इसे। हाँ बस कबाड़े इकट्ठे किया करो बस, और कुछ नहीं। अपने शूज रख उसमें, ठीक है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पोहे। अब आप सोचेंगे ये पोहे शाम को क्यों? अब भैया जब कुछ जो भी खाने का मन करे ना तभी खाओ। मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे किया जाए या फिर लंच के टाइम पे किया जाए। मेरा मानना है कि खाओ पियो खुश रहो, कभी भी खाओ और बनाओ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आज वेज पोहे बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना रिफाइंड ऑयल में पहले ना मूंगफली को फ्राई कर लिया है अच्छे से। और ये वो वाली मूंगफली नहीं है जो है ना मार्केट से आती है, मतलब कच्ची वाली, ये पकी वाली है जो हम लोग छील के खाते हैं। तो मैंने कुछ छील के रख ली थी, तो मैं इन्हीं को फ्राई कर रही हूँ। और फिर मूंगफली फ्राई होने के बाद मैंने ना इसमें सरसों दाना डाला। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ना बस डायरेक्ट कढ़ाई चढ़ा दी थी और सब चॉप है ना साथ के साथ करती रही थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी कुकू है ना उसका बहुत खाने का मन था। तो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये ना बस 10 मिनट में बना के रेडी कर दिए थे, क्योंकि ये ना कटिंग वटिंग भी करनी होती है भाई, और किचन में काम करें तो एक दो काम और देखने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज लहसुन और अदरक को ना चॉप एक साथ करके फ्राई कर लिया था। फिर उसमें आलू डाले चॉप करके छोटे छोटे, और साथ ही गोभी डाला, यानी आलू और गोभी दोनों डाल के। वैसे ये आपने कभी सुना नहीं होगा कि पोहे में ये सब चीज़ें पड़ती हैं। तो है ना बहुत अच्छा लगा था, आप बना के देखना। और है ना फिर मैंने नमक डाल दिया क्योंकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए इस वजह से। और फिर मैंने ना ये टमाटर जो है ना चॉप नहीं किए थे, ये मैंने नाइफ से कट किए थे, मतलब मोटे मोटे अलग दिखे उसमें इस वजह से। और इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। सभी मैंने मसाले डाल दिए, मसालों मैंने हल्दी पाउडर डाला है, मिर्च पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। मैगी मसाला आज मेरे पास था नहीं, मैं हर चीज़ में मैगी मसाला ज़रूर डालती हूँ, तो अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल लीजिएगा। फिर इसको हल्का सा और भूनूंगी मैं। देखिए मेरे मसाले सारे अच्छे से भून गए हैं। मैं अब इसमें डालूंगी चॉप की हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आप ना, मतलब मुझे ना कच्ची ही अच्छी लगती है एकदम, जो उसमें मिल जाती है ना वो अच्छी नहीं लगती। ऐसे चाउमीन में कच्चापन होता है, और भी चीज़ें बनाते हैं हम मैक्रोनी वगैरह उनमें, तो मुझे ना ऐसी अच्छी लगती है। सबसे बाद में मैंने मतलब शिमला मिर्च डाली है और फिर मूंगफली ऐड कर दी, और अब इसमें पोहे ऐड कर दूँगी। आप बनाना सच्चे में, ये वेज पोहे इतने टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और हेल्दी भी होते हैं। आप समझ सकते हैं इसमें सारी सब्जियाँ फुट रही हैं, शिमला मिर्च है, गोभी है, आलू है, और लहसुन प्याज तो खैर हम डालते ही डालते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इसमें थोड़ी सी शुगर डाली थी जो स्किप हो गई मुझसे वीडियो में। आप शुगर ज़रूर डालिएगा तो उससे ना खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। और बाद में नींबू डाल लें, अभी मेरे पास नींबू था नहीं, वैसे मैं नींबू डालती हूँ हमेशा। तो ये तैयार है मेरे पोहे। और फिर मैं ये लगा रही थी शाम की झाड़ू, ये मेरा लास्ट काम था शाम वाला। फिर इसके बाद थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करते हैं, तो फिर ना कम से कम हमारा जो टाइम है ना काम करने का वो 6:30-7 बजे से स्टार्ट होता है। तो मैं बस दूध गर्म करने रख देती हूँ और फिर सीरियल देखने लग जाती हूँ। तो ये है मेरी शाम की झाड़ू।
और झाड़ू भी लग चुकी है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको वॉइस आ रही होगी ना, तो मैं आज घेर में बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, तो वो हमारी भैंस है ना सांकर बजा रही है। तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी हिट कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।